नमस्कार दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो और खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी है और ये आलू और बेसन से बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन और ये है आलू उबला हुआ जिसे मैंने पहले ही छिल लिया है। और इसे हम जो है आलू को सबसे पहले हम कद्दूकस कर लेंगे। मैं मोटी वाली साइड से करूंगी क्योंकि जब आप ये बनाओगे मतलब तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मतलब आलू का टेस्ट अच्छा आएगा। आप चाहो तो बारीक वाली साइड से भी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम आलू को जो है कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए मैंने आलू को जो है कद्दूकस कर लिया है। अब हम जो है इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी 1 कप बेसन और ये जो आलू मैंने किया है ये डाल देंगे उबला हुआ। और उसके बाद हम डालेंगे प्याज बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा हरा धनिया और ये मैंने जो है लहसुन और ये हरी मिर्च है, 1 हरी मिर्च है छोटे साइज की और 2 कलियां लहसुन की है बारीक कटी हुई, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक जो है स्वाद अनुसार डालेंगे हम। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून और डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन 1/2 छोटा चम्मच, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे हम भुना हुआ जीरा और पिसा हुआ है ये, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स हो चुका है ये देखिए। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आलू जो मैंने इसमें कद्दूकस करके डाला है वो आप अपनी मर्जी से, या तो जैसे मैंने मोटी वाली साइड से कद्दूकस किया था, आप चाहो तो बारीक वाली साइड से कर सकते हो। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और अब हम इसे जो है 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, ताकि जो इसमें जो भी मैंने मसाले ऐड किए वो अच्छे से बेसन में जो है अच्छे से घुल मिल जाए और हमारा जो ये मैं इसका चीला बनाने वाली हूँ तो मतलब उससे जो है काफ़ी टेस्टी बनेगा। तो इसे छोड़ देते हैं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। 10 मिनट के करीब हो चुका है, हमारा जो बैटर है बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है मैंने ये रखी है, ये देखिए। तो मैंने तवा भी गर्म करने रख दिया है दूसरी तरफ। तो चलिए इसे बना लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो ये चीले बना रहे हो ये आपको बड़ा साइज चाहिए या छोटा। तो मैंने ये कड़छी से पूरा फुल लिया है बैटर, मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं की है। अगर आप नॉन स्टिक में नहीं बना रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा चिकना कर ले ताकि जो आपका चीला है वो अच्छे से बने। थोड़ा सा बैटर और ले लेते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप पतला बनाना चाहते हो या थोड़ा सा मोटा। ये बहुत ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा थिक ही रखिएगा। और ये मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, लेकिन हमें ढक के पकाना है।
2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं इसका जो लिड है कर लूंगी ओपन, और इसे पहले हम हल्के से ऑयलिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो कलर जो है चीले का बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसके बाद हम जो है इसे पलटेंगे धीरे से। इसको हम पलट लेंगे और हल्का हल्का ऑयलिंग कर लेंगे। और इसके बाद इस साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारा जो चीला है वो कच्चा ना रहे। 1-2 मिनट इस साइड भी हो चुके हैं, तो इसे भी हम पलट लेंगे दूसरी तरफ। हल्का सा, क्योंकि सॉफ्ट है, हल्का सा टूट गया। तो ये देखिए हमारा जो चीला है कितना अच्छा बना है। और हल्का सा प्रेस करके हम जो है इसे अब हल्का हल्का दोनों साइड से 30 सेकंड के लिए पका लेंगे, 30 सेकंड्स के लिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ब्रेकफास्ट में, शाम के नाश्ते में और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। हमारा जो चीला है आलू बेसन का नाश्ता बिल्कुल तैयार है। मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हम बाकी सारे जो है चीले तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आलू बेसन का नाश्ता है बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं बना चुकी हूँ। इसमें जो है टोटल 4 चीले बने हैं, तो मतलब 2 जन के लिए काफ़ी है, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए घर पे, और बच्चों को भी खिलाइए, और उनके टिफ़िन में भी आप इसे दे सकते हो, क्योंकि बच्चों को आलू काफ़ी पसंद होते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।